ठीक है। लास्ट वीडियो हमारी बात हुई थी प्रोपेलर शाफ्ट और स्लिप जॉइंट के बारे में, आज हम ड्राइव लाइन के नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे, जो ड्राइव लाइन में फिट रहता है उसका नाम है यूनिवर्सल जॉइंट। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो देखेंगे यूनिवर्सल जॉइंट। ये यूनिवर्सल जॉइंट क्या है, सबसे पहले बात करते हैं इसकी इंट्रोडक्शन की। यूनिवर्सल जॉइंट कहाँ पे यूज होता है? यूनिवर्सल जॉइंट गियर बॉक्स से जो पावर डिफरेंशियल या फाइनल ड्राइव को पहुंचाई जाती है, गियर बॉक्स की मेन शाफ्ट ये प्रोपेलर शाफ्ट, गियर बॉक्स, यूनिवर्सल जॉइंट, प्रोपेलर शाफ्ट, यूनिवर्सल जॉइंट और फाइनल ड्राइव डिफरेंशियल। तो यूनिवर्सल जॉइंट जो यूज किया जाता है वो प्रोपेलर शाफ्ट या गियर बॉक्स की मेन शाफ्ट के साथ प्रोपेलर शाफ्ट को यूनिवर्सल जॉइंट के साथ जोड़ा जाता है और फाइनल ड्राइव या डिफरेंशियल के साथ या पिनियन के साथ ही जब प्रोपेलर शाफ्ट को जोड़ा जाता है तो यूनिवर्सल जॉइंट के द्वारा ही जोड़ा जाता है। क्यों यूनिवर्सल जॉइंट का यूज किया जाता है? इसका यूज कहां पे होता है? प्रोपेलर शाफ्ट को जोड़ने के लिए। लेकिन क्यों यूज किया जाता है? क्यों? क्योंकि गाड़ी में जो गियर बॉक्स है, गाड़ी को अगर आप साइड से देखेंगे, ये फ्रंट व्हील, ये रियर व्हील, और जो इंजन की फिटिंग है वो इस पोजिशन पे आती है, और डिफरेंशियल जो है वो यहाँ पे गाड़ी के रियर व्हील के बीच में, तो स्ट्रेट नहीं है। पावर जो इंजन की होगी ये एक एंगल के ऊपर ट्रांसमिट करनी है, इस एंगल के ऊपर पावर को ट्रांसमिट करने के लिए व्हीकल में यूनिवर्सल जॉइंट का प्रयोग किया जाता है। और ये इसका डिज़ाइन, इसकी शेप क्या है? इसकी शेप जैसे हमारे शरीर के बीच में हड्डियों, जॉइंट्स, जो हमारे बाजू का जॉइंट है, इसमें भी क्या किया, जॉइंट्स किया गया है ताकि हम इसको एंगल में मूवमेंट दे सके। जितने भी हमारे टांगों के जॉइंट्स, जहाँ भी हमारे जॉइंट्स दिए गए हो, क्या किए गए, ये हड्डी इसके साथ जॉइंट की गई है, लेकिन फिर भी ये मूवमेंट में दे रही है, तो ये जुड़ी हुई है। वैसा ही जॉइंट इसके अंदर किया गया ताकि जो पावर है, जो रोटेशन है, उस रोटेशन को एंगल में ट्रांसमिट किया जा सके। इंजन ऊपर फिट है, डिफरेंशियल नीचे फिट है, फ्रंट व्हील ड्राइव व्हीकल है, इंजन ये देखता है, ये देखता है, जो इंजन है वो थोड़ा सा ऊपर फिट रहता है, यहां से एक एक्सल इस तरफ जाएगा, एक एक्सल इस तरफ जाएगा, तो इसमें भी क्या है, एंगुलर मूवमेंट, एंगल में पावर को ट्रांसमिट किया जाता है, इसलिए इसमें यूनिवर्सल ज्वाइंट जो है वो यूज किए जाते हैं। आइए बात करते हैं यूनिवर्सल ज्वाइंट्स के प्रकार की, टाइप्स ऑफ यूनिवर्सल जॉइंट। यूनिवर्सल जॉइंट भी अलग अलग प्रकार की यूज की गए, वो यूज किए गए, स्टार्टिंग में स्टार्ट हुआ, एंगल में पावर को ट्रांसमिट करना था वहां पे यूज किया, उसके बाद उसको चेंज किया, जितना फायदा होता गया, जितनी अच्छी पावर ट्रांसमिट होती गई उसी के हिसाब से यूनिवर्सल जॉइंट जो है गाड़ियों में आजकल यूज किए जाते हैं। इसमें सबसे पहला जो टाइप आता है वो आता है क्रॉस टाइप या योक टाइप। कौन सा? क्रॉस टाइप या योक टाइप। ये जो क्रॉस टाइप या योक टाइप है, ज्यादातर रियर व्हील ड्राइव व्हीकल है जिनमें इंजन आगे फिट है और पिछले टायर्स को पावर जो है वो ट्रांसमिट की जाती है, उसमें क्रॉस टाइप या योक टाइप यूनिवर्सल जॉइंट्स का प्रयोग किया जाता है। इसमें दो योक होती हैं, दो योक, एक प्रोपेलर शाफ्ट के में योक बनी होगी और दूसरी योग एक मेन शाफ्ट या डिफरेंशियल की शाफ्ट के साथ, और इसके बीच में एक क्रॉस रहता है। ये जो योग है दो में यह फंस जाएगी, दो में यह फंस जाएगा, और इसके साथ इसके अंदर बैरिंग्स और कप का प्रयोग किया जाता है। ये योक टाइप यूनिवर्सल जॉइंट है।
दिस टाइप ऑफ यूनिवर्सल जॉइंट इज योक टाइप यूनिवर्सल जॉइंट। ये एंगुलर मूवमेंट कर रहा है, ये जब ऐसे रोटेशन करेगा तो ये रोटेट होता रहेगा, ये अपने आप नीचे आ गया। ये एक एंगल में जब पावर को ट्रांसमिट किया जा रहा है तो ये मूवमेंट करता है, ये उसी पोजीशन पे रहेगा, एक चीज रोटेशन में एंगल में मूवमेंट करेगा। ये जो हमारा यूनिवर्सल जॉइंट है 24 डिग्री, ये इसका क्रॉस है, ये इसका क्रॉस जो बीच में, ये एक योक है, ये एक योक है, इसी के साथ में दूसरी योक इसके साथ ऐसे जुड़ जाएगी। जब ये रोटेट करेगी तो दोनों योक जो है पावर को, ये इसमें कप लगा हुआ है कप को लॉक करने के लिए, ये इसमें कप लगा हुआ है कप को लॉक करने के लिए, इसके ऊपर सर्कलिप रहता है और इसके अंदर निडल बैरिंग्स का प्रयोग किया जाता है। ये 24 डिग्री पावर को सही प्रकार से ट्रांसमिट कर सकता है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट टाइप रबर कपलिंग टाइप में क्या है, दो शाफ्ट्स को आपस में जोड़ा गया, किसके द्वारा, रबर कपलिंग के द्वारा। ये शाफ्ट इसके बीच में रबर की कपलिंग लगाई, ये छोटे व्हीकल्स और उनको नट बोल्ट्स के द्वारा आपस में ज्वाइंट कर। ये जो क्रॉस टाइप है ये 24 डिग्री के एंगल तक पावर को सही प्रकार से ट्रांसमिट करता है, और ये जो रबर कपलिंग है ये 5 डिग्री से 6 डिग्री तक पावर को सही प्रकार से ट्रांसमिट करता है। इसके बीच में रबर यूज किया गया। अब नेक्स्ट कांस्टेंट वेलोसिटी टाइप, इस टाइप का यूनिवर्सल जॉइंट जो है वो फ्रंट व्हील ड्राइव व्हीकल्स में यूज किया जाता है, जो ट्रांसएक्सल सिस्टम में पावर डिफरेंशियल से फ्रंट व्हील तक पहुंचती है वहां पे कांस्टेंट वेलोसिटी जॉइंट का प्रयोग किया जाता है। ये कांस्टेंट वेलोसिटी जॉइंट है, ये बैरिंग इसके इनर और ये आउटर, इसके साथ ये बॉल्स लगी हुई हैं, ये बॉल्स इसको लॉक कर रही हैं, इसके साथ ही पूरा ये एक एंगल के ऊपर आपको दिख रहा है, ये बिल्कुल सीधा हो गया एंगल मोमेंट। ये 35 डिग्री के एंगल तक पावर को ट्रांसमिट कर सकता है, कांस्टेंट वेलोसिटी टाइप 35 डिग्री एंगल तक पावर को ट्रांसमिट कर सकता है। नेक्स्ट है आपका पॉट विथ ग्रूव टाइप या बॉल पॉट टाइप, ये एक साइड का है, इसमें पिंस लगे हुए हैं, इसके ऊपर बैरिंग्स की बॉल लगी है और इसके लिए ये बैरिंग्स है, इसके लिए एक पॉट बना होगा, एक ये पॉट, इस पॉट के अंदर ये डायरेक्ट इसके अंदर फिट होगा, लेकिन इसमें क्या है, इसमें ग्रूव्स बने हुए हैं ताकि ये जो है जब रोटेशन इसमें जाएगी, जो रोटेशन इसके साथ घूमेगी वो रोटेशन के साथ ये घूमे, और इसका फायदा क्या है, ये स्लिप ज्वाइंट का काम भी करेगा, ये आगे भी जाएगा पीछे भी जाएगा आगे भी जाएगा पीछे भी जाएगा, ये आपका पॉट टाइप है। और इसके साथ एक आपका आता है रिजिपा ज्वाइंट। रिजिपा ज्वाइंट जो है वो मानव की हड्डियों के समान ही ऐसी वो ज्वाइंट होता है। रिजिपा ज्वाइंट का जो प्रयोग किया जाता है वो फोर व्हील ड्राइव व्हीकल में जो फ्रंट व्हील है जिसमें स्टेयरिंग जुड़ा रहता है उसमें रिजिपा ज्वाइंट, जो एक्सल शाफ्ट जो यूज की जाती है उसमें रिजिपा ज्वाइंट का प्रयोग किया जाता है। आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ आपको यूनिवर्सल ज्वाइंट के बारे में जानकारी प्राप्त हुई होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक लेकर फिर से उपस्थित होगा, तो के लिए धन्यवाद, थैंक यू।